नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। बात करेंगे भैया डीएड स्पेशल एजुकेशन IDD के फर्स्ट ईयर की, भैया जो कि आपका 2023 में आज भैया आपका 12/06/2024 को आपका एग्जाम हुआ, जिसमें हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक। तो जब हम विकास की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि भैया जो प्रकृति और पोषण है ये आपको विकास को प्रभावित करता है, तो ये आपका देखने को मिलेगा ए, यानी कि आपका का ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें आपका बी, कहेंगे शैशवावस्था में कौन सी आयु सीमा होती है बच्चे की। तो शैशवावस्था की जब भी बात करते हैं तो कहते हैं भैया अपना जन्म से 2 वर्ष। इसके बाद में बहुबुद्धि का सिद्धांत रट रट के बताया था आपको कि गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इसके बाद में हम लोग बात करें, कहते हैं वृद्धि और विकास में केवल भौतिक परिवर्तन शामिल हैं। तो देखिए वृद्धि में तो आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन विकास में आपके सामाजिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, सभी परिवर्तन शामिल होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारक अधिगम को प्रभावित करता है। तो आपने जब सोशल कल्चरल जब आप लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पर बताया गया था कि भाई ये अधिगम को प्रभावित करता है, तो ये आपका हो जाएगा सही। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं, कहते हैं भैया जब शारीरिक विकास की होती है, तो मैंने आपको बताया था शारीरिक विकास में आपका क्या आ जाएगा, आपके सूक्ष्म गामक कौशल, स्थूल गामक कौशल यानी कि मोटर कौशल, तो आपका हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा आपका सी, पहले में आपका सी। इसके बाद में ज्ञान संबंधी यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो बात करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कौन बात करता है, तो हम कहते हैं जीन प्याजे जो थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी। इसके बाद में आंतरिक और बाह्य, तो हम लोगों ने कहा था कि भैया प्रेरणा जो होती है, अभिप्रेरणा जो होती है, मोटिवेशन जो होता है वो आंतरिक होता है, वो बाह्य भी होता है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन। और कक्षा की समस्या यानी कि भावात्मक समस्या के अंतर्गत आएगा ये। वृद्धि को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन आपको करवाया था। शिक्षा मनोविज्ञान, ये भी आपको क्वेश्चन करवाया था। बाकी क्वेश्चंस ये भी आपको क्वेश्चन करवाया। माइलस्टोन के बारे में भी 1.5 में आपका वर्णन किया गया। ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक ये भी आपको कराए गए। अभिप्रेरणा को तो मैंने, मोटिवेशन को तो बहुत अच्छे से करवाया था। सीखने का आप माहौल कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में भी मैंने बताया था कि जो शिक्षक है वो कैसे सीखने का माहौल तैयार करेगा। गार्डनर की थ्योरी आपको रट रट के समझाई थी भैया, कितने प्रकार का इन्होंने बताया, क्या बताया, कब बताया, सारी चीज़ें। और सीखने की शैलियों के बारे में आप लोगों को पता ही था, बहुत अच्छे से आप लोग विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, टेक्टाइल का प्रयोग करते होंगे, तो इन चीज़ों को लिख करके आप बहुत अच्छे से आए होंगे। बाकी पेपर कैसा हुआ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।